बस ये इनके रंडी मंडी सब कहलन कि हाँ कि रंडी के बेटी रंडियन हो गुसान ऐसा ऐसा गाड़ी दिखते साहेब इलाज पर मारा जला छट भूकल बनी वो पीरियड में हमरे के खींची आगे से साहेब इलाज पर मारल बा मारलो गल पर बाप हाँ जी हाथ मार के हमारे तोड़ दिल गल बा पूरा फैमिली मिल के हमरे के बहुत टॉर्चर कइले बा तब हम घर से निकल के अपना मायके आइल बानी तब हमारे दवा इलाज भइल बा तब हम जिंदा बानी बहुत हमरे के टॉर्चर भइल बा इस खातिर बार बार हमरे के मार पीट करते रहल लो पूरा फैमिली मिल के कि अगुता के भाग जाए तो हम दूसरा शादी कैले बड़े तो लिए के घर में रखे जिस दिन हमरे के मार पीट के घर से निकलने बनी वही बिहान लिया के वो औरत के घर में रख ले बनी मतलब एक तरफ से रहुआ घर से बाहर निकाल ले रहुआ के और दूसरी तरफ से तीसरी पत्नी आ गई घर में। हाँ जी हम आज निकल बनी कल सुबह औरत आके घर में रह लगल भैया ओके वही मान सम्मान सब कुछ बा ना हमारा बच्चन के कोनो ओमे अथी बा ना हमार बा ओजी जाके हमारा रहला के बावजूद भी पूरा हमरा के टॉर्चर कर लेता है आप मायके से भी जाता अनाज इतना खाए वाला वो भी हमरा के खाए नहीं के लेते तो वो जी रह के चांस है काम नहीं कर देते लोग ना अब बताइए हमारे दूध के पांच बकरी बच्चा रखे लिए उसे हमारे खाना खिलवा दिए हैं हाँ। खाना के ना सोनी रोपनी करे चल जाम तो हमारे खाना उठा के बिक देला लोग कहला लोग पीला खा गए तो बकरी के बच्चा खा गए ऐसे ऐसे हरकत करे ला लोग कैसे जी हम कैसे मतलब लोग हमेशा टॉर्चर कर जाते हैं। हाँ जी अब एकदम हम चार वर्ष से मजबूर हो गए मानी हमारे कोनो रास्ता हम नहीं के लोग ना मरे के सिवा हमारे कुछ नहीं के लोग ना ऐसे कदम मत उठा 3 दिन का बच्चा कहना कर रहे हम बहुत परेशान बनी सब के लेके रह लो हमारे सहयोग कर लो समझिए कि कैसा मतलब कि क्या कहें हमारे पास वर्ड नहीं है कि उस कुकर्मी पति कितना कुकर्मी आदमी है कि जो पहली शादी कर लिया दूसरी शादी कर लिया उस पत्नी से 3 दिन को बच्चा फिर भी तीसरी शादी कर लिया। जिस तरीके से जब यह पूछी हुई थी कि अब हम क्या करें 3 दिन को बच्चा लेके तो कह रहा है कि जाओ तोरा साथ तो 3 दिन को बच्चा कर देने ना तू जा जहाँ मन करता है कितना हवस का भूखा आदमी है कि तीसरी शादी कर लिया कितना उम्र हो रही पति के लगभग 45 तक ले 40-45 के मतलब 40-45 हुई हाँ। उनका उम्र बा शादी करने वाला लड़किया के कितना उम्र बा जो शादी भइल बा 20 साल की उम्र शादी भइल हाँ। समझिए कि 40-45 साल उम्र है आपका भी उम्र उतना हो गया लगभग हाँ जी 40-45 साल इनका भी उम्र है इनके पति का उम्र है फिर भी वो शादी कर लेता है 20-25 साल की लड़की से क्या कुछ कहें पापा के दिखले बड़ बनी जी का करलन पापा मम्मी के मार लन जी बहुत मार मारते हैं और मेरे मम्मी का हाथ मार के तोड़ दिए थे और मेरे भाई के सीने तक हड्डी वो तोड़ दिए हैं क्या कहूँ ऐसा बेशर्मी पापा के चप्पल उठा के मुंह पर मारेंगे और उनको फांसी का सजा मिलना चाहिए जैसे वो कर रहे हैं मत रोई क्या बात किया जाए इन लोगों से हमने सोचा था कि अब इन बच्चों का जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है तो हम सोचे कि दिखा दे और जो भी मीरगढ़ के थाना प्रभारी हैं अच्छा थाना प्रभारी सम्मेलन बनी है बड़ा बाबू सम्मेलन कब हाँ जी क्या कहलन बड़ा बाबू जिस दिन हम थाना में गए रही तो कोनो विशेष कोनो लड़का डूब के मर रहा हो वही सब फेरा में रानी लोग बोलनी लोग 2 दिन बाद आइया 2 दिन बाद गनी तो बाबू से बात ना भइल हमरे से भेंट भी ना भइल जे रहल उ हमरे से कहते कि जाए फिर 2-4 दिन बाद आइए इतना हमरे पास दौड़े के आ जाए कि हमरे लगे गाड़ी भाड़ा नहीं के कि हम बार बार दौड़ दौड़ के जाए फिर भी हमारे सुनवाई ना होगी सब मैटर बार ऑटो में केस भइल हाँ खर्चा खाती केस कैले बनी लेकिन फिर भी 3 साल हो गए वो कैले लेकिन वो से कोनो सुनवाई हमरा नहीं के मतलब कहीं से कोनो रोड मदद नहीं के मिला ना केहू नहीं के पूछत ना ना कोई नहीं कोर्ट में भी हम केस कैले 3 साल हो गए 3 साल में हमारे कोनो सुनवाई ना भइल थाना पर जाता नहीं थानों पर कोई सुनवाई नहीं के और कोर्ट में भी ना के कोनो सुनवाई हो कहीं से ना कुछ हमरा हेल्प मिलता अभी हम लोग गोपालगंज में हैं और गोपालगंज की ये जो भी घटना है हम आपको दिखा रहे हैं का कहें ऐसा पति के जो एक गो शादी 2 गो शादी 3 दिन को शादी कर लन 3 गो बच्चा पैदा करके छोड़ दे लन कहा हम उनका बारे में कुछ नहीं कह सकत गांव समाज बताइए ऐसा पति के विषय में कि का करे के चाहिए हम उनका विषय में कुछ नहीं बोल सकत उनका जौन अच्छा लगे तो करस
लेकिन हमारा मसूम बच्चन के का गलती बा कि ऐसा हमने के सताओ तरन दर दर के टुकड़े खियाओ तरन कभी बाबू के मार के छाती तोड़ दिया ये 3 साल पहले का भाई रहा ये जब हमरा के मारत रहनी तो बाबू जाके छुड़ावत रहल बस उठा के बिक देनी कहीं का कितने कहे नहीं किस मर जाते एगो बेटी हमर डेट कर गई वहीं की वजह से वही पर से उठा के खटिया पर से नीचे बिक देनी बस उनके बुखार उखार आयल दवाई ना बोल बस वो डेट कर गई वह सोच के एगो पटक देनी कहीं का कितने मर कहे नहीं जो सर हमारे से ही चले कहती जी गाली भी देते बहुत गारी गारी तो ऐसा ऐसा दिल है कि समाज में सुना नहीं सकत हमारे लगे पूरा बा लेकिन समाज में सुना नहीं सकत हमें इतना समाज में बोल नहीं सकत आ ना सुना सकत नहीं बड़ी बेशर्मी पति भाई जब बचन के ना छोड़े नहीं तो हमारे तो कनौज खींचते नहीं गए का कहें जे भी आप थाना प्रभारी बचा जे भी लोग प्रशासन के लोग बकरा से का कहें हम सबसे गुहार करते नहीं का हमारा बात के सुनल जाओ हमरे के इंसाफ मिलो ये कहम का हम बहुत गुजारिश करते नहीं का हम बहुत 3-3 को बच्चन के लेके बहुत परेशान बनी हमरा की जितना जल्द होके ऐसे हमरा के मुक्ति दिवाओ जब हम सुकून के रोटी खाएं चैन के रोटी खा सके ना तो अब हमारा मरे में कुछ नहीं गए हम अंदर से पूरा टूट गए बनी दर दर के ठोकड़े खा खा के ना गलत कदम मत उठाएं बात कर जला थाना प्रभारी से का कह तरन और अभी रउआ लोग के जौन स्थिति बा कोर्ट में भी केस बा पति का नाम हुआ रामप्रीत यादव कहाँ करवा समय मीरगंज थाना में मीरगंज थाना के अंतर्गत समय कोई गांव है जहाँ पे इनके पति रामप्रीत यादव और वो 3-3 शादी करते हैं कितना बेशर्मी पति है और कितना घिनौना काम किया है कि 3-3 बच्चों को छोड़ दिया फिर भी तीसरी शादी कर लिया और इस तरीके के समाज में घटनाएं हो रही हैं इसको लेकर क्या कुछ एक्शन आता है मिर्गस थाना का।